पिछले 5-6 दिन पहले जो नंद गांव है, नंद भवन है ऊपर, वहां के जो टेम्पल है जहां यशोदा, नंद बाबा और बीच में कृष्ण बलराम सब हैं, तो वहां के पुजारी को कृष्ण बलराम ने सौंपन दिया और क्या कहा कि कोई गोपाल कृष्ण गोस्वामी है उनको मेरे पास लाओ, मुझे उनके साथ में बछड़े चराने हैं। कृष्ण बलराम बोल रहे हैं पुजारी को सपने में, मुझे बछड़े चराने हैं, गोपाल कृष्ण को लेकर आओ। अब नंदगांव के पुजारी को क्या पता कौन गोपाल कृष्ण गोस्वामी है, तो उसने सारे उधर नंदगांव में पता लगाया कि कहीं कोई मिल जाए, कोई मिल जाए, कौन है। सबने कहा भाई इस नाम से तो कोई सन्यासी है नहीं। फिर बरसाना में पता लगाया, वहां भी पूछा, वहां भी कहने लगे इस नाम से तो कोई नहीं है। फिर वो पता लगा रहा था तो नहीं ढूंढ पाया। 2-3 दिन के बाद फिर से कृष्ण बलराम आ गए कि मैंने कहा था गोपाल कृष्ण गोस्वामी को लाओ, तुम लेकर नहीं आए, मुझे बछड़े चराने हैं उनके साथ में। तो अब तो वो और भी ढूंढने लगा और फिर किसी ने बताया कि इस्कॉन में और पूछ लो, वहां भी बहुत सारे गोस्वामी हैं। जब हमारे कृष्ण बलराम मंदिर गया तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरु महाराज थे और इनका तो अभी शरीर छूटा है 5 मई को। तो वहां से वो चित्र लेकर आया महाराज का बड़ा, और पहली बार किसी ऐसे वैष्णव के, किसी इस्कॉन के सन्यासी का चित्र नंद भवन के सामने वहां कृष्ण बलराम के साथ में लगाया गया। ये बहुत बुरी बात है।